बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बड़े होंगे। तो जी आज हम आए हैं गांव में। तो ये देखिए यहाँ पर धान वगैरह सब लगे हुए हैं, कितना हरा भरा खेत है, बहुत सुंदर भी लग रहा है देखने में। तो ये हमारी ससुराल का गाँव है और बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पर आई। ये देखिए पानी चल रहा है ट्यूबवेल पर, और ये देखिए ट्यूबवेल पर पानी चल रहा है। ठंडा पानी है, बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा पानी है, बढ़िया। और चारों तरफ जो है धान धान है, जो है पानी की बहुत सुलसुल आवाज़ भी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और मैं यहाँ आई हूँ काफ़ी, 1-2 साल मुझे हो गए हैं, 2-3 साल बाद ही मैं आई हूँ। इधर देखे, इधर भी सारे खेत हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है गाँव में आके। मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना के मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर ससुराल है, जेठ वगैरह सब रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, नहीं बना पाऊँगी। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मेरी मतलब वीडियो में मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है मेरे विलेज का, जो मतलब गांव का पहला व्लॉग है। तो आई होप आप सबको वीडियो जो है बहुत पसंद आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ चारों तरफ से। वो देखिए कितना हरा भरा खेत है, बहुत सुंदर सा अच्छा सा खेत है, बढ़िया से। तो जी चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मतलब विलेज में ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है गांव में। मैंने पहले, इससे पहले कोई गांव का वीडियो शूट नहीं किया है, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आई होप मैंने इसी वजह से आपको ये सब अपलोड करके दिखाया है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है पसंद आएगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। पूरा ठेठ गाँव है ये। और यहाँ पर देखिए ट्यूबवेल चल रहा था, रास्ते में हम जाते जाते जो है हमने थोड़ा सा मस्ती हमने यहाँ पर शुरू कर दी थी। एक्चुअली क्या है ना, गांव में अंदर जाने से तो जैसे होता है ना कि हम यहाँ की बहू हैं, तो हम इतना ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हम लोग बिना पल्लू वगैरह के नहीं जा सकते। तो ये गांव से बाहर का ही सीन था, तो हमने थोड़ी सी मस्ती वगैरह यहीं पर कर ली थी। और यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वगैरह हमने ठंडा ठंडा पिया था। फिर उसके बाद जो है थोड़ी बहुत वीडियो मैंने शूट करके आपको दिखा दी थी। यहाँ पे धान बुए हुए हैं, जैसे चावल होते हैं ना, वो उनकी मूंजी लगाई हुई है, और बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी हरा भरा सा खेत जो है लग रहे थे, और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था मुझे आके। काफ़ी साल बाद मैं आई थी, लेकिन मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा था। एक करीब मुझे हो गए हैं 2 साल तो हो गए होंगे आए हुए। 2 साल पहले ही आए थे हम, नहीं 1.5 साल पहले, जब धैर्य हुआ था ना तभी आए थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना गाँव में जो पीर बाबा हैं, सैयद बाबा हैं ना हमारे, तो वो हमारे पूछते हैं, तो हम लोग यहीं पे कुछ भी खुशी हमारे घर में होती है ना, तो हम यहाँ पे माथा टेकने ज़रूर आते हैं। तो वही रास्ते में पड़ते हैं हमारे सैयद बाबा जी। तो जी यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अब घर पे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, और आते आते हमें रात भी हो जाएगी, तो इस वजह से हमें जो है जल्दी जाना था घर में। और ये देख लिए, मैं आपको गांव का नज़ारा जो है दिखा देती हूँ, और इतना सुंदर लगता है ना, बस आप पूछिए मत, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। मन करता है बस यहीं का यहीं पे रह जाओ, लेकिन 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में जो है नहीं रहा जाता देखा जाए तो। क्योंकि बेसिकली जो नीडेड, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं ना, वो गांव में रह के तो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जी यहाँ पर देखिए, ये है हमारे सैयद बाबा। तो जी हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर हमने मत्था वगैरह टेका था। ये सैयद बाबा हैं, यही हमारे पूजते हैं, और गांव से बिल्कुल बाहर हैं ये, बने हुए हैं। तो जब भी हमारे घर में शादी होती है, शादी किसी की, या फिर बच्चे की, या बड़ों की, किसी की भी शादी होती है ना, मतलब जैसे हमारे बच्चों की भी शादी होगी, तो हमें पहले यहाँ पर मत्था टेकने जो है आना पड़ेगा। और अब चलते हैं अंदर गांव की तरफ। तो गांव जा रहे हैं हम, और यहाँ पर कोई दिखाई, आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि रोड जो है बिल्कुल सुनसान सा था। और जाते जाते जो है लग भी रहा था कि मतलब डर सा भी लगता है कि सुमसान से जो रास्ते होते हैं ना, उनमें थोड़ा डर भी लगता है। तो जी गांव के अंदर जो है एंट्री कर दी थी। उसके बाद मैं अंदर जाके आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्या है ना, क्योंकि मेरे को वहाँ पे घूंघट करके रहना पड़ता है, और अच्छा नहीं लगता। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि किसी को पसंद होती हैं ये सब चीज़ें, किसी को नहीं। तो जी बस मैं अपने इस वीडियो का जो है यहीं पे एंड करूँगी। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो जी ट्रेन भी देख लीजिए, लास्ट में ये जो ट्रेन भी देख लीजिए।